बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है फोटो सेल। प्रीवियस टॉपिक में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था, सो जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है फोटो सेल। बेसिकली ये हमारे पास जो फोटो सेल होता है ये एक ऐसी डिवाइस होता है, ठीक है, जिस से ना ये लाइट से इफेक्टेड होता है। मतलब अगर इस पर लाइट पड़े तो फिर जो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लाइट से इफेक्ट होती हैं। ठीक हो गया। फोटो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट ही होता है। इनके कोई ऐसा सेल होगा, कोई ऐसी डिवाइस होगी जो ना जिस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट करे तो क्या होगा, उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इफेक्ट होंगी, या जो वर्क करेगा उसकी वर्किंग जो है ना वो लाइट पे डिपेंडेंट होगी। किसी ना किसी तरह से उसका लाइट के साथ रिलेशन होगा। ये क्या जो उसका वर्ड है ना ये हमें खुद बता रहा है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ये किस तरीके से होता है, ये डिवाइस कौन सी होती है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वर्क करने के, और जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, वर्किंग किस तरीके से होती है, और कहाँ कहाँ पे ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं इट इज़ अ डिवाइस, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली है क्या, कोई डिवाइस है, ठीक है, हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई वो इफेक्ट होंगी किससे, बाय लाइट। इनकी लाइट जब उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, जब कोई भी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की हम लाइट इंसिडेंट करेंगे उस सेल पे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या करेंगी, वो उससे इफ़ेक्ट होंगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ करंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारा कुछ जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट से इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं आ फोटो सेल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट था क्या था कि एक जब हमारे पास जो लाइट होती है स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की जब वो इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, उससे ना करंट प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता था। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है उसको हम करंट कहते हैं, इनके करंट फिर प्रोड्यूस होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है। अब जो फोटो सेल होगा वो सेम बेस कर रहा होगा उसी कंसेप्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट पे, यानी कि उस पर भी कोई लाइट जो होगी ना स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इमिट होंगे वहाँ से, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होते हुए क्या करेंगे, फ्लो करने लग जाते हैं। फ्लो से इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो सेम ये जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक वर्क का कंसेप्ट था, सेम ये भी उसी बेस पे कर रहा होता है वर्क। तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। हमारे पास बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन होती है इसमें एक गिलास बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें एक एनोड रॉड की फॉर्म में होता है और कैथोड होता है हमारे पास, ठीक है, और इनकी जो सरफेस होती है वो मेटल सरफेस होती है, एक प्रॉपर जो होती है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास कैथोड होता है, ठीक है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। कैथोड का जो मटेरियल होता है वो हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि मतलब सूटेबल होता है किस चीज़ के लिए, वो जो लाइट इंसिडेंट करवाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, जिस पे क्या करेगा फिर हमारा जो सेल होगा वो वर्क करना लग जाता है, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो आप देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं सिंपल फोटो सेल इज कंसिस्ट ऑफ एन एवोकेटेड ग्लास बल्ब विद अ थिन एनोड रॉड एंड अ कैथोड ऑफ एन अप्रोप्रिएट मेटल सरफेस। वही बात हमने डिस्कस की है। द मटेरियल ऑफ द कैथोड इज सिलेक्टेड टू सूट टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ओवर विच द सेल इज ऑपरेटेड, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल होगा कैथोड का वो इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना होगा कि जो हमने रेडिएशन फेंकनी है उसके ऊपर, इंसिडेंट करानी है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज हो वो सूटेबल हो, क्योंकि उसने वर्क तो उनकी बेस पे करना है ना, जो जिस तरह की रेडिएशन जो है ना उस पर हम इंसिडेंट कराएंगे, फिर हमारा जो सेल होगा वो काम करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि वर्क किस तरीके से करता है।
वर्किंग करने से पहले हमारे पास कैथोड जो होता है ना, उस हमने कहा ना कि एक स्पेसिफिक मटेरियल होना चाहिए, मतलब कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है ये देख लेते हैं। अब वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम ठीक है हो सकता है। ये जो सोडियम पोटाशियम होता है ये विजिबल जब लाइट इस पर हम फेंकते होते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इमिट करता है ठीक है। अगर विजिबल लाइट फेंक रहे हैं तो हमारे पास जो वो होगा कैथोड होगा उसका मटेरियल जो है सोडियम का या तो होना चाहिए या फिर पोटाशियम का होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम इंफ्रारेड फेंक रहे हैं तो तब हमारे पास वो सीजियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर होना चाहिए ठीक है। क्योंकि अगर इंफ्रारेड लाइट फेंकेंगे तो हमारे पास तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जब सीजियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर होगा। और इस तरह तरीके से जब हमारे पास कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है तो उनके लिए कुछ अदर मेटल्स होते हैं, मतलब कि जो मटेरियल होना चाहिए कैथोड का ठीक है, जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इमिट कर सके। वो हर मतलब मटेरियल पे नहीं करता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको इमिट, और ना ही हर लाइट पे स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर विजिबल लाइट है वो फेंक रहे हैं तो जो मटेरियल होना चाहिए वो सिलेक्टेड होना चाहिए, या तो सोडियम का या फिर पोटाशियम का ठीक है। इस तरीके से लाइट से मतलब जो हम फेंक रहे हैं उससे रिलेट होता है वो, उसका मटेरियल सिलेक्ट करके हम फिर बनाते होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट कर हो सकें, और इलेक्ट्रॉन के एमिशन से फिर करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट जो है फिर वो उसी बेस पे जो हमारे पास सेल होता है फोटो सेल वो वर्क करता होता है, क्योंकि फोटो सेल वर्क ही करंट की बेस पे करता है। अब वर्किंग की बात करें तो क्या होती है उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द फोटो एमिसिव सरफेस ऑफ कैथोड, इनके कैथोड पे जब हम क्या करेंगे एक फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर होगी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी फेंकेंगे तो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने शुरू हो जाएंगे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। अब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो फिर जब वो मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट फिर जो उसका प्रोड्यूस होगा और जो हमारे पास सारा सर्किट होगा उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। फिर वो कहते हैं द करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होता है, इंसिडेंट ऑफ लाइट के। क्योंकि देखिए इंसिडेंट ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसका मतलब होता है कि फोटॉन्स ठीक है। अब एक फोटॉन जो है वो आएगा एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए यानी कि दो फोटॉन कर दिए जाए तो आएगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। अब फोटॉन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम फोटॉन बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन। अब इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो उनकी तादाद भी वेरी करेगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स एक फोटॉन गया वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएगा, फिर दूसरा जाएगा दूसरे को लेके आ जाएगा, इस तरीके से तीसरा जाएगा तीसरे को ले जाएगा। जैसे जैसे हम फोटॉन या इनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा होगा हमारे पास। तो वो किस चीज़ के प्रोपोर्शन होता है, करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शन होता है ठीक है। अब जब हमारे पास जो लाइट अगर ना दें सिस्टम को तो हमारे पास करंट जो है स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब लाइट ही नहीं पड़ रही तो फिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एक्साइटेड होंगे और वो फिर फ्लो करना लग जाएंगे, तो फिर करंट नहीं प्रोड्यूस होगा ना जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर अब लाइट जो है ना हम फेंक नहीं रहे, ये लाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एंड इट स्टॉप व्हेन लाइट बीम इज कट ऑफ, वही बात कि जब हम लाइट जो बीम होती है उस कट कर देंगे तो हमारे पास क्या है जो करंट है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे तो मूव भी नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव नहीं करते तो फिर करंट भी हमारे पास नहीं होता। ओके हो गया। अब ये जो हमारे पास फोटो सेल है ये बेसिकली ये देख लेते हैं कि होता कहाँ इस्तेमाल है, मतलब कौन सी इसकी एप्लीकेशन है। ये जो हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम होता है इसमें भी इस्तेमाल होता है, ये काउंटिंग सिस्टम होता है ठीक है उसमें भी इस्तेमाल होता है, और ये जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम होता है इसमें भी, और ये स्ट्रीट लाइटिंग ठीक है, और साउंड ट्रैक जो मूवीज़ होती हैं उनमें ये हमारे पास फोटो सेल इस्तेमाल होता है। आज का लेक्चर जो था हमारे पास यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।